और 1982 से लेकर अब तक 39 साल हो गए, श्रीलंका इंडिया में कोई टेस्ट मैच जीता नहीं है। इवन जब वो उनकी प्राइम थी, हालांकि जो सनी भाई ने कहा 1982 देखे वेरी क्लोज, 86 में तो खैर उनकी टीम मतलब वो माता दा माल टाइप थी, उसके बाद वो पिटते रहे। इवन 90s में, लेट 90s में या मिलेनियम में जाके भी उनकी टीम अच्छी हुई, वो इंडिया में मैच कभी जीत नहीं पाए। तो ये जो है आप कह रहे ना कि दो सपोर्टर्स हो जाएंगे, उससे होना कुछ नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन सही में आपको क्या लगता है, वैसे विक्रांत सही तो कह रहे हैं कि वन साइडेड कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है, लेकिन जितना वन साइडेड हमें T20 सीरीज में देखने को मिला, क्या उतना ही वन साइडेड होगा? या आपको लगता है अब क्योंकि करुणारत्ने आ गए, एंजेलो मैथ्यूज आ गए हैं, डिकवेला आ गए हैं, कुछ थोड़ी टक्कर देगी ये श्रीलंका टीम? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि टक्कर तो जरूर होगी, क्योंकि ये जो तीन खिलाड़ी है वो बड़े जिद्दी खिलाड़ी है, बड़े मतलब ऐसे खिलाड़ी है कि वो आसानी से अपनी विकेट गंवाने वाले हैं नहीं। करुणारत्ने तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर जैसे है, बिल्कुल मतलब क्रीज पकड़ के रखते हैं और उनको उनको आउट करना मुश्किल बनता है। तो अगर शुरुआत में आउट हो गए, जैसे कि जब भी भारतीय टीम ने एल्गर को जल्दी आउट किया तो साउथ अफ्रीका की का टोटल बहुत कम हो रहा था, तो वही करना होगा। एंजेलो मैथ्यूज तो बड़े अनुभवी खिलाड़ी है और भारत के खिलाफ वो अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हैं, और ऐसा ऐसा सुनाई दिया है कि उन्होंने काफी वेट लूज किया है तो और भी ज्यादा फिट लग रहे हैं, तो वो भी अच्छा करना चाहेंगे। और डिकेवाला तो है, डिकेवाला हमारे जो ऋषभ पंत है उनके जैसे, ऋषभ पंत जैसे वो फटाफट शॉट्स मारते हैं, ऋषभ पंत जैसे पीछे भी विकेट कीपिंग जब करते, विकेट कीपर है, विकेट कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करते हैं तो काफी कुछ बातें चलती रहती है वो अपने अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग होगा, मुझे लगता है कि मैच काफी इंटरेस्टिंग होगी।